मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी की लहर चल रही है और हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस को महानगरों में प्रत्याशी तक नहीं मिल पा रहे। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, जिसके चलते कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। यादव ने कहा, भाजपा ने जब 10 दिन पहले उम्मीदवार घोषित किए, कांग्रेस को बड़े महानगरों में भी उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। देश और प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। उन्होंने कहा, 100 दिन के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की। मोदी के नेतृत्व में हम प्रदेश के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कर रहा हूं कि पूरे प्रदेश में ये जो 100 दिन की हमारी सरकार, जिसने कई सारी उपलब्धियां हासिल की थी, जिनके बलबूते पर हमने अपनी संतोष मन से तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये मान के चलो कि जितना बड़ा काम किया है, जितना बड़ा समय मिला था, समय बहुत अल्प होता है एक सरकार के लिए 90 दिन का। ऐसे में सरकार का गठन, मंत्रिमंडल का गठन, तमाम प्रकार की बदलाव के बावजूद भी हमें संतोष से यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो हम सबको मार्गदर्शन दिया, हम उनके नेतृत्व में इस चुनाव की तरफ बढ़ गए हैं और जिस प्रकार से जनता का रिस्पांस मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। निश्चित रूप से हमारे इस माननीय मोदी जी का जो लहर चल रही है, यही हालत है कि कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहे। आज की स्थिति में जब हमने सारे प्रत्याशी लगभग 10 दिन पहले डिक्लेयर कर चुके कांग्रेस को, आज सारे बड़े बड़े महानगर से उनकी सीटों पे कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे। जनता का रिस्पांस भाजपा के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा फिर एक प्रचंड बहुमत की जीत की तरफ बढ़ रही है। और ये जो हमारा टारगेट था, 2014 में हम 27 जीते, 2019 में 28 जीते और अब क्लीन स्वीप करने वाले हैं। और जो अब की बार 400 पार माननीय मोदी जी का जो नारा है, निश्चित रूप से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्रुत गति से आगे बढ़ेगी और विकास के किसी मामले में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।